पहले पापा थे तो मैं शाम को आता था पापा की हेल्प कराने। अच्छा, पढ़ाई कर चली रही थी मेरी। अच्छा। शाम को आता था सामान वामान लाना, देखता था भाई। हाँ भाई, पापा मंगाते थे, हाथ भी बटाता था पापा के साथ। फिर सडनली पापा एक्सपायर हो गए, 3.5 साल हो गए उन्हें। क्या कैसे नौ बता के आपको इसको रन करना है? मैंने कहा भाई पापा का ठिया बना बना है, कस्टमर है। अच्छा, जॉब से तो अच्छा ना, अपना काम ही किसी की सुननी नहीं है। तो आपने बेहतर समझा कि आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। पापा को भी अच्छा लगेगा कि मेरा, मेरे बेटे ने मेरा काम संभाल लिया है ना, तो इसीलिए फिर मैंने। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज हम आ चुके हैं जंगपुरा भोगल, और आज जिनका वीडियो हम कवर करने वाले हैं उनका नाम है करण। करण ने अपना बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था और ये अब अपना एमए कंप्लीट करने की तरफ हैं। करण ने हमें बताया कि ये इनके पिताजी का 30-40 साल पुराना काम था, तो उनसे इनकी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक बिजनेस के रूप में इसे देखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम सभी के लिए मिसाल और बहुत ही हार्ड वर्किंग करण जी से, और जानते हैं इनके सफ़र की कहानी इन्हीं की ज़बानी। यही है वो इंसान करण भाई, तो मिलवाते हैं करण से और जानते हैं इनके सफर के बारे में। थोड़ा बताइए ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ आपका? कुछ नहीं, बस भाई शाम को, पहले पापा थे तो मैं शाम को आता था पापा की हेल्प कराने। अच्छा, पढ़ाई कर चली रही थी मेरी। शाम को आता था सामान वामान लाना, देखता था भाई। हाँ भाई, पापा मंगाते थे, हाथ भी बटाता था पापा के साथ, मतलब भाई पापा के साथ हाथ बटाता था। फिर सडनली पापा एक्सपायर हो गए, 3.5 साल हो गए उन्हें। क्या हुआ था आपके फादर से? हार्ट अटैक। उसके बाद फिर मैं सोचा क्या करूँ क्या नहीं, प्राइवेट जॉब से तो अच्छा है, अपना काम ही सही है जी। फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो 3.5 साल से आप संभाल रहे हैं इसको। तो अंकल जी का कितना पुराना स्टॉल था ये? आपको 35-40 साल। 35-40 साल पे इसी जगह पर? हाँ। तो आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए करा है ड्यू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एमए चल रहा है अभी, लास्ट ईयर फाइनल। लास्ट ईयर एमए का चल रहा है? इग्नू से, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। एमए चल रहा है लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। मतलब क्या कैसे नौ बता के आपको इसको रन करना है? मैंने कहा भाई पापा का ठिया बना बना है, कस्टमर है। अच्छा, जॉब से तो अच्छा ना, अपना काम ही किसी की सुननी नहीं है। तो आपने बेहतर समझा कि आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। पापा को भी अच्छा लगेगा कि मेरा, मेरे बेटे ने मेरा काम संभाल लिया है ना, तो इसीलिए फिर मैंने। हम दो भाई हैं, दोनों मिलके करते हैं, बाकी दो बहनें हैं, मम्मी है, भाभी हैं। जॉब सेक्टर में जाना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, जॉब सेक्टर में जाता तो फिर मैं ये काम ही नहीं करता ना भाई। अच्छा, मैंने यही बेनिफिट समझा। इस टाइम काम कैसा चल रहा है? ठीक है, काम ठीक चल रहा है। हाँ, बर्गर का प्राइस क्या है? बर्गर दो वैरायटी है, एक छोटा अच्छा। स्मॉल है 20 रुपए का। अच्छा, उससे बड़ा है 25 का। 25 का। तो ये सारा मतलब कौन तैयार करता है? ये तैयार भाई सब लोग ही करते हैं, घर में मम्मी है, बहन है। अच्छा, सब तैयार करते हैं घर पे, आप ही आकर सेल करते हैं? ये लाल वाली चटनी, गुड़ की बनी हुई मीठी चटनी। अच्छा, होम मेड होता है हमारा। ये मसाला आपने डाल दिया अंदर? हाँ, ये खुद ही आप तैयार करते हैं? हाँ, खुद ही होता है यार, ये कस्टमर हमारे चटनी की वजह से ही आता है। अच्छा। हाँ, चटनी की वजह से ही। ये चटनी है आपके, दो तरह की चटनी होती है? ये कौन सी चटनी? रेड चटनी है, स्वीट। अच्छा, ये ग्रीन है। बोलो भाई, टिक्की के बारे में बताइए कैसे प्रिपेयर होती है? भाई वही आलू है, इसमें पिट्टी भरी आती है, चने की दाल वगैरह मसालों में, मतलब धनिया मिर्च वगैरह। अच्छा। वही नमक वमक मम्मी बनाती है। मम्मी बनाती है। हाँ। तो आप कितने बजे आ जाते हैं? मैं यहाँ पर आ जाता हूँ भाई 2 बजे। 2 बजे? कितने बजे तक रहते हैं? 2 से वही 10-10 बजे आते हैं। 10 बज जाते हैं।
रोजाना आते हैं आप? डेली ऑफ। कोई ऑफ नहीं रहता? ऑफ मंडे ऑफ रहता है। मंडे ऑफ रहता है। कितना पुराना स्टॉल है आपका? ये तो भाई पहले पापा लगाते थे, एक्सपायर हो गए 3.5 साल से मैं देख रहा हूँ। भाई दो प्लेट आलू खाने पैक नहीं देखो अमिन भाई। गाइस आप इनका एक बार एड्रेस समझ लीजिए, ये आप देख सकते हैं मेन मार्केट है भोगल की और ये मेन भोगल रोड है। आप देख सकते हैं सामने वो है मथुरा रोड, बाहर निकलोगे मथुरा रोड पड़ेगा। आप मथुरा रोड से अंदर आएंगे तो आपको करण का स्टॉल मिल जाएगा। छोटे वाले यहाँ रख दो लो भाई। ये भी दिखाओ ना 10-30 रुपए की, इतनी बड़ी टिक्की कहीं नहीं है। ये दिखाई ना देखो टिक्की 10 रुपए की 30 रुपए की, कौन दे रहा है इतनी बड़ी टिक्की? करण भाई आपके कस्टमर तो बड़े सेटिस्फाइड हैं हमसे हैं प्राइस वगैरह पे लेकर। बर्गर का क्या प्राइस रखा है? 20 और 25। और टिक्की का? टिक्की 30 रुपए। और ये पैटीज? 20 रुपए। 20 रुपए। 100 रुपए की एक आती है। अच्छा अब चले जाओ BTW पे, 100 रुपए की एक। साथ के ले आंटी टिक्की है आपके यहाँ? इसका प्राइस क्या बताया आपने? 30 रुपीज। तो अब बारी है इनका बर्गर टेस्ट करने की। करण भाई क्या खिलाएंगे? मतलब बर्गर खिलाएंगे, पैटी खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे? बर्गर। तो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा बर्गर, अभी हम इसको ट्राई करेंगे। भाई दिखने में बहुत ही यमी है, ये मेयोनीज है, ये टिक्की है आलू वाली, प्याज और टमाटर, प्लस उसके साथ है इनकी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पेशल ये हरी चटनी और लाल चटनी। अच्छा टेस्ट है, टेस्ट इनका गजब है। अगर आप इधर आते हैं तो करण का एक बार बर्गर जरूर ट्राई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट करण, आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल भाई, और ये साथ साथ एक काम तो चल ही रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ करण भाई की ये बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।